मेंटल स्किल्स नाउ वी आर लर्न अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस सेशन नंबर टू. बीइंग सेल्फ अवेयर मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सेल्फ अवेयर का मीनिंग क्या होता है कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है. सेल्फ अवेयरनेस देयरफॉर विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इंटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट. यानी कि इसमें क्या होगा सेल्फ अवेयरनेस में, कि वो आपको हेल्प करेगा किस में, जो आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए, और जो स्ट्रेंथ आपकी बनेगी वो आपको जो भी आपका टैलेंट है उसमें, वो एक्सेप्शनल जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हेल्प्स यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ. यानी कि जो भी आपकी एनालाइज होगी उसमें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से आप लोगों को हेल्प भी रहेगी, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी सक्सेस चाहिए लाइफ में तो वो आपको अटेंड भी कर पाएगा. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिंस विथ नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट. यानी कि आप लोगों को फर्स्ट अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप में स्ट्रेंथ कौन सी है और वीकनेस क्या क्या है. नाउ नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट, हु एम आई, जिसमें तो फाइव थिंग्स है, बिलीव्स, बैकग्राउंड, ओपिनियंस, लाइक डिसलाइक एंड वैल्यूज. इसमें क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, वट यू लाइक और डिसलाइक, आप कौन हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा. वॉट आर योर बिलीफ्स, या आप लोगों की बिलीफ्स क्या है. देन वॉट आर योर ओपिनियंस, आप लोगों का ओपिनियन क्या रहेगा. वॉट इज योर बैकग्राउंड, आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है. वॉट यू डू वेल एंड वॉट यू डू नॉट डू वेल इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ओनली देन कैन यू एक्चुअली मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग क्यों कौन सी चीज़ कर सकते हो, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते हो, ताकि वही चीज़ आप लोगों का एक्चुअली मेजर होगा आपकी वीकनेस में और स्ट्रेंथ में. नाउ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर मीन्स लुकिंग आउटसाइड ऑफ आउटसाइड योर यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज योर नेम, क्वालिफिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इन अदर वर्ड्स, बींग सेल्फ अवेयर एक्चुअली मीन्स नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ, हिडन टैलेंट, स्किल्स एंड इवन वीकनेसेस. लेट अस लुक एट हाउ वी डिफाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. यस, किसमें क्या पता चलेगा आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है. यस, सो वो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा मायने रखेगी. सो दैट विल बी गिवन इन एक्चुअल वर्ड्स, कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आप में हिडन टैलेंट्स कौन सा है, उसके ऊपर वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा, ताकि उसके थ्रू क्या पता चलेगा आप में कौन कौन सी स्किल्स है, आप लोगों की इवन वीकनेसेस क्या है, वो ज़्यादा मायने रखेगी. यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे आप में स्ट्रेंथ और वीकनेस में क्या डिफरेंट रहता है. सो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन हियर, आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग. यस, कि आप लोगों का जो राइटिंग है उसमें आप लोग कैसे हो, उसके क्रिएटिंग, यानी कि किसी के हैंड राइटिंग अच्छे रहते हैं, तो इससे वन टाइप ऑफ, जो कई बार हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया साइट्स में देखते हैं कि किसी के हैंड राइटिंग कैसे, कंप्यूटराइज हैंड राइटिंग, जो कंप्यूटर के रिलेटेड ही हम लोग जैसे कंप्यूटर में लिखते हैं वैसे ही वहाँ पर आप लोगों को लिखने को मिल सकता है. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. कई बार ऐसा भी होता है कि ऑडियंस के सामने अगर कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए बोलने के लिए, तो आप लोग बिना कोई भी हिचक के, या फिर आप लोग कोई भी बिना डरे, आप लोग आसानी से सभी लोगों के सामने बोल सकते हो कि वो चीज़ कैसी है और किस तरीके से हम लोगों को बोलनी चाहिए. आई प्ले गिटार वेरी वेल. किसी का शौक़ अच्छा रहता है कि भाई इसमें गिटार ये आसानी से बजा सकता है, या फिर ऐसी कोई चीज़, तो वो ज़्यादा मायने रखता है. एग्जाम्पल ऑफ वीकनेसेस, अब कौन कौन से वीकनेसेस है इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम. यानी कि मैथमेटिक्स के कई सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो आप लोग आसानी से सॉल्यूशन नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट होते हैं सॉल्यूशन करने के लिए. आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. यस, कि मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, लेकिन सभी लोगों के सामने नहीं बोल सकता, ऑडियंस के सामने वो चीज़ आसानी से नहीं बोल सकता. आई डू नॉट लाइक टू लूज एनी गेम और स्पोर्ट. यस, मुझे हारना पसंद नहीं है स्पोर्ट्स में. तो हार जीत आप सभी को पता है कि हार जीत होती रहती है, आप लोग गेम खेलते तो उसमें भी हार जीत होती रहती है. तो कई बार कई लोग ऐसा मानते हैं कि मुझे इस गेम में हारना नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ये आपकी वीकनेसेस है. बाई अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स वी कैन नो वॉट वी कैन एंड कैन नॉट डू. यस, कि अंडरस्टैंडिंग, खुद को जान ले आप लोग, तो आप लोगों को पता चलेगा आप क्या कर सकते हो और आप लोगों क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो. बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वी कैन प्ले प्लान द नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव द अवर सेल्फ. ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता चल जाए कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि ये चीज़ नहीं कर सकते, उसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग क्या पता चल सकता है कि हम लोगों का आगे का स्टेप कैसा रहेगा और उसमें हम लोगों को क्या क्या इम्प्रूव करना ज़रूरी है. देन बाई इम्प्रूविंग वी विल
बिकम कॉन्फिडेंट इन वॉट वी डू, यस, कि ये चीज़ इंप्रूव हो जाए तो ऑटोमेटिक आप लोगों को क्या कॉन्फिडेंट हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंटली किसी को बोल सकते हो कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ. नाउ टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अब कौन कौन सी टेक्निक है आप लोगों को जानना होगा कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फाइंडिंग स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़. थिंक ऑफ एनी थिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट. आप लोग सोचो पहले कि आप लोग किस में सक्सेसफुल होते हो डेली, हर रोज़. यस, एग्जाम आती है तो हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो उसमें हम लोग कैसे सक्सेस मिलती, तो वो पहले आप लोगों को सोचना ज़रूरी है. नेक्स्ट थिंग, थिंक अबाउट वॉट अदर्स लाइक इन यू. यस, कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों में क्या अच्छा लगता है दूसरे लोगों को, तो वो भी आप लोगों को सोचना ज़रूरी है. एंड टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट वॉट यू डू वेल. यस, कि थोड़ा बहुत टाइम ले लो और फिर सोच, आप लोग सोचो उसके बारे में कि आप लोग क्या अच्छा कर सकते हो. नाउ फाइंडिंग योर वीकनेस. पॉइंट आउट द एरियाज वेर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू. कि ऐसा एरिया आप लोग ढूंढो जहाँ पर आप लोग स्ट्रगल करनी हो या फिर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसमें क्या आप लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है, किस टाइप की डिफ़िकल्टीज आ रही है. यस, तो वो पहले आपको फाइंड आउट करना ज़रूरी है. लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू. यस, कि फीडबैक लो दूसरे पर्सन से, ताकि आप लोगों ने जो भी वर्क किया है या फिर आप लोगों ने जो भी वर्क कंप्लीट किया है, तो उसका फीडबैक क्या रहता है. बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट. यस, कि बी ओपन टू फीडबैक, कि कोई भी अगर आपके बारे में कोई भी फीडबैक बताए, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ताकि उस टाइम पे आप लोगों को वीकनेसेस यानी कि फीलिंग जो भी हम लोग लो ऐसा मानते हैं कि ये हमें नीचा दिखाना चाहता है, तो वैसा मत सोचो, तो उसको लाइकली ले लो और उससे भी आगे आप लोगों को सीखने को वो चीज़ मिल पाएगी. टेक इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि एक ऐसी चीज़ आप लोगों के सामने आ रही है जिसके थ्रू आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों में कोई थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी होती रहेगी. यू कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वंस यू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन गिवन हियर. यस, कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए हो इसके थ्रू आप लोगों को पता चलेगा आप में कौन सी स्ट्रेंथ है और आप लोगों में वीकनेसेस क्या है. हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से किस टाइप में अलग हूँ. यस, वॉट डू आई डू बेटर देन अदर्स, कि क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ दूसरों से. देन वॉट मेक्स मी स्टैंड आउट, कि मेरे में ऐसा क्या है कि मैं क्या ऐसा चीज़ों में ऐसी कौन सी चीज़ बना सकता हूँ कि दूसरों से मैं अलग आ सकूँ. वेयर आई डू वरी एंड स्ट्रगल्स, कि मैं कहाँ पर वरी हूँ, कहाँ पर ऐसी स्ट्रगल्स करनी पड़ेगी मुझे ज़्यादातर, वो आपको भी जानना ज़रूरी है. वेयर, हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी. यस, कि दूसरे लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या अच्छा है, किस तरीके से वो कर रहे, तो वो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी रहेगा. व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, कि एडवाइस भी लो ताकि आप लोगों में जो भी गलतियाँ होती है, जो भी आप लोगों की मिस्टेक होती है, तो उसमें भी आप लोग इम्प्रूव ला सकते हो. नाउ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज मीन्स स्ट्रेंथ, कि क्या आप लोगों का इंटरेस्ट है और आप लोगों की एबिलिटीज़ क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो यहाँ पर दिया हुआ है. Things that you like to do in your free time that make you happy. Yes, कि ऐसी चीज़ जिसमें आपको ज़्यादा टाइम आप लोग फ्री हो सकते हो और आप लोगों को वो चीज़ अच्छी भी लगती हो. Then abilities क्या है, an acquired or natural capacity, कि आप लोग कितना दे सकते हो, natural capacity आप लोगों की क्या है. Yes, तो वहाँ पर आप लोगों की वो abilities में आ जाएगी. Interest में, things you are curious about your would do even if no one asked you to do it. Yes, कि कहीं बार ऐसा भी चीज़ होती है जो कोई बोले या ना बोले, फिर भी वो चीज़ आप लोगों को करने में इंटरेस्ट, यानी कि मज़ा आता हो, तो वो चीज़ आप लोग ऑटोमेटिकली किसी को बताए या फिर कोई आपको बताए उससे पहले भी वो चीज़ आप लोग कंप्लीट कर देते हो. एनेबल यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क विथ कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी, कि आप लोगों को जो भी जॉब दी गई है, पर्टिकुलर टास्क दिया हुआ है, तो आप लोग प्रोफिशिएंसी उसको कंप्लीट करते हो, उसको परफॉर्म करते हो, ताकि आप लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है. Things you want to learn or would like to do in the future. Yes, कि future में आप लोगों को जो चीज़ काम में आती है वो चीज़ आप लोगों को सीखनी भी चाहिए और learn भी करनी चाहिए. When your interests do not match your abilities, you can either improve your abilities or follow some others path. Yes,
यहाँ पे क्या, जहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं लगता, अच्छा लगता है, डू नॉट मैच योर एबिलिटी, वो आपकी एबिलिटीज़ के साथ वो चीज़ मैच होगी नहीं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटीज़, यानी कि आप लोगों को अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना रहेगा, या फिर आप लोगों को दूसरा कोई पाथ ढूंढना चाहिए जहाँ पर आप लोगों की एबिलिटीज़ के हिसाब से आप लोगों को जो भी वर्क दिया जाए वो आप लोग इजीली कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू मे लाइक म्यूज़िक बट यू मे नॉट बी गुड एट सिंगिंग. यस, आप लोगों को म्यूज़िक अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को गाना गाने के लिए बोला जाए तो वो चीज़ आप लोगों में मीन्स आप लोग अच्छा गाना नहीं गा सकते हो. इन दैट केस डू नॉट ट्राई टू बिकम अ सिंगर, यानी कि वहाँ पर आप लोग क्या मीन्स के आप सिंगर नहीं बन सकते, बिकॉज वहाँ पर इंटरेस्ट है लेकिन आप लोगों की एबिलिटी नहीं है वहाँ पर. तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है लेकिन वो मैथ्स में मार्किंग आ सकते हैं उसके, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर एबिलिटी के थ्रू वहाँ पर वो चीज़ परफॉर्म होगी नहीं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, सेशन नंबर 3, सेल्फ मोटिवेशन. हैव यू हर्ड ऑफ द स्टोरी ऑफ द हेयर एंड टॉर्टोइज हु वॉन द रेस इन स्पाइट ऑफ बींग स्लो. द टॉर्टोइज, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, वो स्टोरी आप सभी ने सुनी भी होगी और देखी भी होगी टीवी में या फिर किसी और जगह पे. सो द की टू विन वॉज दैट द टॉर्टोइज नेवर थॉट लेस ऑफ इट सेल्फ एंड स्टेड मोटिवेटेड इवन दो इट वॉज लेगिंग बिहाइंड. यस, आप सभी को ये चीज़ के बारे में पता है कि जो टॉर्टोइज है उसने कभी वो चीज़ हार नहीं मानी, वो कभी ऐसा नहीं मानता कि मैं स्लो हूँ तो हार जाऊँगा या फिर ये है. यस, क्लियर एवरीवन? सो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट क्रॉस्ड ऑल द हर्डल्स एंड कंटिन्यूड द रेस विदाउट बीइंग डीमोटिवेटेड. यानी कि उसने क्या किया कि स्लोली और ग्रेजुअली वो चीज़ क्रॉस करता, जितने भी हर्डल्स आए, बीच में जितनी भी मुसीबतें आई या फिर जो भी आप लोगों को डिफिकल्टी हुई, उसने वो स्लोली और ग्रेजुअली वो चीज़ को क्रॉस किया और कंटिन्यूड द रेस, यानी कि वो रेस में कंटिन्यू विदाउट एनी काइंड ऑफ, यानी कि उसको डीमोटिवेटेड नहीं किया गया, उसको सिर्फ मोटिवेटिव हुआ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. ताकि आप लोगों में जो चीज़ आए वो डी, कई बार ऐसा भी होता है हम लोग ये चीज़ करना चाहते हैं लेकिन किसी ने डीमोटिवेट कर दिया तो वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाते, तो वो चीज़ वहाँ पर आप लोगों की एक्सेप्टेबल होगी नहीं. सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट डिराइव्स यू टू डू थिंग्स. सेल्फ मोटिवेशन इज द वॉट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. यस, सेल्फ मोटिवेशन पुशेस योर अचीव योर गोल्स. कि अगर सेल्फ मोटिवेशन ही रहेगा तो आप लोगों का जो गोल्स है, यस, वो आप लोग इजीली अचीव कर सकते हो. आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं ये चीज़ में आसानी से कर सकता हूँ, आप लोगों को खुद ही अपने आप को ऐसा समझो कि मैं इस चीज़ में हैप्पी रहता हूँ. इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव रहेगी. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अवर एबिलिटी टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंस अस. दूसरे वर्ड्स में क्या कहा जाता है, इट इज़ अवर एबिलिटी, यानी कि ये हमारी एबिलिटी है कि कोई दूसरे, यानी कि किसी की ज़रूरत तो है हमें, लेकिन कोई बिना ऐसे किए विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसेस, कि इन्फ्लुएंस किए बिना कोई भी हम खुद अपने आप से इन्फ्लुएंस नहीं होते, या फिर कोई भी हमें पर्सन, कोई भी दूसरे पर्सन हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. हियर आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन. नेहा स्पेंड्स ऑल हर आफ्टर स्कूल आवर्स टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सैम्पल क्वेश्चन पेपर. सी वॉन्ट टू डू वेल इन हर एग्जाम सो दैट सी कैन गेट एडमिशन इन हर ड्रीम कॉलेज इन द सिटी. नेहा ने क्या किया, आफ्टर द स्कूल, यानी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद उसने कई सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर उन लोगों ने सॉल्व किए, ताकि उसको जहाँ पर भी एडमिशन चाहिए, जिस कॉलेज में चाहिए, जिस सिटी में चाहिए, वहाँ पर वो आसानी से. तो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने से भी कई बार हमारे जो भी मार्किंग है वो भी अच्छे आ सकते हैं. तो उसको क्या लगा कि ये सेल्फ मोटिवेशन है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो ताकि अगर मैं सॉल्यूशन करूँगी तो ऑटोमेटिकली मुझे जिस सिटी में या फिर जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मुझे वहाँ आसानी से मिल सकता है. रेखा गेट्स अप एट 5 AM एंड गोज हर फॉर डांस क्लासेस, देन सी कम्स होम एंड फिनिशेज हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल. सी डज दिस ऑल बाय हरसेल्फ, नो वन टेल्स हर टू डू इट. यस, कि रेखा को डांसिंग अच्छा लगता है तो उसने वो चीज़ की, लेकिन वो उसके लिए उसको जो भी उन लोगों ने मींस के 5 बजे उठना है, कई बार हम लोग ये सोचते हैं 5 बजे कौन उठेगा, तो वो चीज़ आप लोग नहीं कर सकते हो, लेकिन उसने ये सोचा कि भी मुझे कुछ करना है, मुझे ये मेरा गोल है, तो ऑटोमेटिकली उसके 5 बजे वो चीज़ उठ गई और ऑटोमेटिक वहाँ पर डांस क्लासेस पे चली गई, ताकि उसको वो चीज़ कम्प्लीट करनी है. फिर आके उसने होमवर्क अपना कंप्लीट किया, उसके बाद उसको जो भी वर्क लगेगा. तो इसने मिस के रेखा को किसी ने बताया नहीं कि आपको ये चीज़ करनी है, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेटेड हो गई, वो चीज़ करने लगी.
डिफरेंट पीपल आर मोटिवेटेड बाई डिफरेंट थिंग्स एंड एट डिफरेंट टाइम्स इन देयर लाइव्स. यस, हमारी लाइफ में कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं डिफरेंट थिंग्स, किसी दूसरी थिंग्स के बारे में, या फिर डिफरेंट टाइम्स हम लोगों को बताते हैं भाई आपको ये नहीं करना है, ये करोगे तो ये अच्छा ज़्यादा बेटर रहेगा. तो ऐसे कई सारे हम लोगों को मिलते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. फर्स्ट वन इज इंटरनल मोटिवेशन, मीन्स लव. वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हेल्थी एंड फील गुड. यस, ये चीज़ यानी कि वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, यानी कि ऐसी चीज़ हम लोगों को जो ज़्यादा हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोगों को हैप्पी रहने के लिए मिलता हो, हेल्दी भी हम लोग रह सके और फील गुड हम लोग अच्छा फील करें. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू परफॉर्म ऑन योर एनुअल डे फंक्शन एंड यू लर्न समथिंग न्यू सच एज डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा, यू फील गुड. कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप लोग क्या फील करोगे, भाई ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये यानी कि आप लोगों को उस चीज़ में मज़ा आता है, यानी कि यू फील गुड. नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, मीन्स रिवॉर्ड. वी डू थिंग्स बिकॉज दैट दे गिव अस रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिशिएशन. दैट मीन्स कि दूसरे लोगों से हमें लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्नाइज रहता है, या फिर वो पर्सन हम लोगों के अप्रिशिएशन करता है, ताकि उस चीज़ से भी हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल, सुरेश पार्टिसिपेटेड इन 100 meter रेस एंड वॉन अ प्राइज. This motivated him to go for practice every morning. यानी कि सुरेश ने अगर पार्टिसिपेट किया 100 meter रेस में और वो जीत भी गया, लेकिन वो चीज़ किस वजह से जीता, कि उसको मोटिवेट किया गया है कि भाई एवरी मॉर्निंग वो प्रैक्टिस करेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ कर सकता है, यानी कि वो जो अपनी रेस है वो जीत सकता है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन. नाउ क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल. अब क्वालिटीज़ क्या है यस सेल्फ मोटिवेटेड पीपल में. देर आर सम टिपिकल बिहेवियर्स सीन इन सेल्फ मोटिवेटेड पीपल विच आर एज गिवन बिलो. फर्स्ट वन, नो वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम लाइफ. यस, उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में. देन आर फोकस्ड, उस चीज़ पर फोकस करने चाहिए. देन नो वॉट इज़ इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है वो चीज़ भी उन लोगों को पता होनी चाहिए. देन आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यानी कि डेडिकेशन पूरा का पूरा चाहिए. अगर आपको ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं आप लोगों के, तो उसका मिस उस चीज़ में आपको डेडिकेशन अपना पूरा का पूरा होना चाहिए. मिस्टर ई श्रीधरन, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वॉज अ सेल्फ मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक पर्सन. विथ हिज डेडिकेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ही मोटिवेटेड हिज टीम टू वर्क हार्ड एंड अचीव द रिजल्ट. यानी कि जो श्रीधरन है, पर्सन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, यस, किसके, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के. तो उसको खुद ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया. अगर वही अगर सेल्फ मोटिवेटेड होंगे या फिर एनर्जेटिक पर्सन रहेंगे, तो वो दूसरे लोगों को अपना जो भी डेडिकेशन देना है, अपनी टीम को बताना है, तो वो ऑटोमेटिक टीम को भी मोटिवेट करेंगे, उसमें हार्डवर्क भी करवाएंगे, और उसका जो अचीव रिजल्ट आएगा वो भी वो लोग क्या करेंगे, वो अचीव कर सकते हैं. देन महाशय धर्मपाल गुलाटी, द फाउंडर ऑफ महाशिन डी हट्टी MDH, यस वी ऑल नो अबाउट द MDH प्राइवेट लिमिटेड, स्टार्टेड विथ अ स्मॉल शॉप इन कारोलबाग, बट विथ हिज फोकस, डेडिकेशन एंड क्लियर आइडियाज, MDH द स्पाइस कंपनी बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स इन इंडिया, बिसाइड हैविंग अ गुड रेप्यूटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल. किसी ना किसी पर्सन ने कोई छोटी शॉप से या फिर छोटे गैरेज से कुछ ना कुछ स्टार्टअप किया है. दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट द बिल गेट्स, यस, या फिर अब्दुल कलाम, जो आप सभी लोग जानते हो उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, जिन लोगों ने पढ़ाई भी एक छोटे से गांव में से स्टार्टअप की थी, लेकिन उन लोगों ने सेल्फ डेडिकेशन दिया, सेल्फ फोकस भी किया उन लोगों ने, और क्लियर आइडियाज़ था मुझे ये चीज़ करनी है आगे जाके, तो ऑटोमेटिकली वो आगे जाके बिग और कंटिन्यूसली हम लोग देखते भी है कि आज उन लोगों का कितना सारा नाम है. यस, सो पूरे वर्ल्ड में उन लोगों की जो रेपुटेशन है वो भी ज़्यादा बढ़ गई है. बिल्डिंग अ सेल्फ मोटिवेशन. There are 4 step for building self-motivation, which are as given below. Yes, जिसके 4 steps है. First one, find out your strength. आप लोगों की strength क्या है, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो उसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है. सबसे पहले किसी को कुकिंग अच्छा बना, मीन्स के कोई कुकिंग अच्छा कर सकता है, कोई डांसिंग अच्छा कर सकता है, तो आप लोगों को वो चीज़ जाननी पड़ेगी, कि अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी आप लोग किस चीज़ में हैप्पी रह सकते हो, वो चीज़ आसानी से कर सकते हो. सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स. यस, कि आप लोगों का जो गोल है उसको सेट करो और फोकस करो उस पर, ताकि आगे जाके आप लोगों को लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो उसकी वजह से. देन
डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल्स, यानी कि ऐसा प्लान क्रिएट करो, डेवलप करो, ताकि अपने जो गोल है उसको अचीव कर सको आसानी से. एंड स्टे लॉयल टू योर गोल्स, जो आपका गोल्स है उसके डिपेंडेंट आपको लॉयल रहना ज़रूरी होगा, तभी आप लोग अपने गोल पे, यानी कि अचीव, जो भी आपको रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अचीवेबल ही रहेगा. क्लियर एवरीवन? सो देर आर द फोर स्टेप्स टू फाइंड आउट द बिल्डिंग अ सेल्फ मोटिवेशन. वन इज द एक्सरसाइज. नाउ सेल्फ रेगुलेशन मीन्स गोल सेटिंग. यस, कि सेशन नंबर फोर किसका है? सेल्फ रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग. गोल्स एंड सेटिंग स्मार्ट गोल्स. अ मैन वॉज ट्रैवलिंग एंड स्टॉप एट एन इंटरसेक्शन. यस, ही आस्क एन एडरली मैन, वेयर डज दिस रोड टेक मी? द एडरली पर्सन आस्क, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? द मैन रिप्लाइड, आई डोंट नो. द एडरली पीपल सेड, देन टेक द एनी रोड, वट डिफरेंस डज इट मेक? हाउ ट्रू इज दैट? And when we do not know where we are going, any road will take us there. So in life, we need to have a clear vision of what we will do and where we want to go. Yes, कि अगर आप लोग किसी भी पर्सन को ये मुझे रास्ते में जाना है, रास्ते तो कहीं सारे हैं, लेकिन जब तक आप लोगों का विज़न क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते. यानी कि आप लोगों को रास्ता ही नहीं पता चलेगा कि मुझे इस रास्ते पे जाना है या फिर यहाँ से जाना है, ये मुझे रास्ता कहाँ पे लेके जाएगा, उस चीज़ पे आप लोगों को पता नहीं चलेगा. बट जब तक वी नीड टू हैव अ क्लियर विज़न, यानी कि अपना जो विज़न होगा वो आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है. एंड वी वॉट वी विल डू, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो, और वो रास्ता हमें कहाँ पर लेके जा सकता है. तो ये गोल सेट करने के लिए आप लोगों को वो चीज़ बताई गई है कि आप लोगों का गोल क्या है और आप लोगों का सेटिंग क्या है. देन गोल सेटिंग इज़ वेरी इनिशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ. द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प्स यू डिसाइड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ, वेर यू वॉन्ट टू बी एंड हाउ यू वॉन्ट टू बी इन द फ्यूचर. कि गोल सेटिंग अच्छा रहेगा तो इनिशियल फैक्टर इज योर पर्सनल लाइफ, कि आपको क्या करना है आगे जाके, बड़े होके क्या करना है. यस, तो प्रोसेस आपकी कैसी रहेगी, मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, डिसाइड करना पड़ेगा आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे ये चीज़ को फ्यूचर में आगे बढ़ा सकता हूँ, ये क्या किस तरीके से रहेगा, वो चीज़ मुझे वहाँ पर मिलनी ज़रूरी है. गोल्स, देर आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विथ अ डेड लाइन टू गेट देम. फॉर एग्जाम्पल, सेविंग पॉकेट मनी टू बाय अ फेवरेट मोबाइल फोन बाय अ पर्टिकुलर डेट. यस, कि अगर आपका गोल है मुझे अच्छा अच्छा फ़ोन चाहिए, तो आप लोग अपने ड्रीम में वो चीज़ सेट कर देते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अच्छा सा फ़ोन परचेस करना है. तो वो चीज़ किसके लिए करते हो? तो यू सेविंग योर पॉकेट मनी, कि आप लोग जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत सेविंग कर लो, ताकि अगर जब भी आप लोगों को वो चीज़ चाहिए, मोबाइल फ़ोन लेना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से आप लोग उसको परचेस कर सकते हो पर्टिकुलर रेट पे. भी आज मैं हर रोज़ के 10 रुपये का बचाऊंगा, तो मेरे मोबाइल फ़ोन की प्राइस 30,000 है, तो वो कब तक ख़त्म होगी? यस, 300 डेज, तो तब तक वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी. तो आप लोगों को एक गोल सेट करना पड़ेगा कि विथ योर डेडलाइन, कि कहाँ तक मुझे ये चीज़ लेके जाएगी. नेक्स्ट वन इज़ गोल सेटिंग. इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देम प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम. यस, कि फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स, कि फाइंड करो और लिस्ट बनाओ कि मेरा गोल क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट प्लानिंग करो एंड हाउ टू अचीव देम, उसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ. दैट इज मीन्स योर गोल सेटिंग. गोल्स अलाउ यू टू सेपरेट आउट व्हाट्स इम्पोर्टेंट. इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द एंड रिजल्ट इंस्टेंट ऑफ लेस इम्पोर्टेंट वर्क. दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर कैरियर एंड पर्सनल लाइफ. कि अगर आपका गोल ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने वो चीज़ सेपरेट माइंड में बिठा ली कि मुझे ये चीज़ करनी ही है कैसे भी करके, तो लास्ट में जहाँ पर आपका फोकस आएगा कि आप लोगों की लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैसे मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आप लोगों का जो फोकस रहेगा और जो लास्ट में लोगों को रिजल्ट मिलेगा वो भी इम्पोर्टेंट, यानी कि आपका जो वर्क होगा वो भी आप लोगों को वो चीज़ इम्पोर्टेंट लेस करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क होगा वो भी आप लोगों को लेस करना पड़ेगा. दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर कैरियर एंड पर्सनल लाइफ. यानी कि वो चीज़ आप लोग क्या मायने रखेगी कि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में और कैरियर में सक्सेसफुल बना सकते हो. देन हाउ टू सेट गोल्स. अब गोल्स को कैसे सेट करना है. वी कैन यूज द स्मार्ट मेथड टू सेट द गोल्स. स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, देन ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, एंड लास्ट वन टी फॉर टाइम बाउंड.
ये स्मार्ट वर्ड के ऊपर आपका पूरा का पूरा जो गोल है वो सेट हो सकता है. नाउ फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक. अ स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर सिक्स क्वेश्चन. हु इज इन्वॉल्व इन द गोल. व्हाट डू आई वांट टू डू. मुझे क्या करना है. यस. वेयर डू आई स्टार्ट. मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ. When do I start and finish. मैं कब स्टार्टिंग करूँगा और वो चीज़ कब फिनिश होगी. Which means do I use. उसके बारे में क्या जानना है. उसके रिलेटेड मुझे क्या यूज़ हो सकता है. Why am I doing this. ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ. Not a specific goal. I would learn to speak English. Specific goal. I would learn to speak English fluently by joining coaching classes after my school every day. And in 6 months, I will take part in the inter-school debate competition. Yes? कि मुझे English सीखना है. I would learn to speak. Not a specific goal. लेकिन अगर मुझे कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो पहले मुझे ज्वाइनिंग यानी कि कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर ताकि मैं इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो फ्लुएंटली बोल सकूं. और उसके बाद आफ्टर द 6 मंथ यस कि मुझे वो टाइमिंग भी सेट करना पड़ेगा कि मैं स्कूल के बाद ये चीज़ मैं ट्यूशन क्लासेस में जा सकता हूँ या फिर स्कूल से पहले मुझे टाइम मिले तब मैं जाऊँगा. तो ऐसे 6 मंथ तक आप लोगों को वो चीज़ एवरी डे करनी पड़ेगी तब जाके आप लोग अपने हिसाब से यानी कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो. सेकेंड वन इज़ एम. This is a miserable goal answer the how question how much how many and how do I know that I have achieved result. How much that's all of you know very well कि किसका मीनिंग क्या होता है. How many कितना होता है. And how do I know मुझे कैसे पता चलेगा कि ये result मुझे जो चाहिए result that I achieved result कि मुझे ये चीज़ कैसे मिलेगी. Not miserable goal. I want to be rich. Miserable goal. I want to have a 5 times more money than what I have today in my hand at the end of this year. Yani ki mujhe rich banna hai. Yes. So is a not a miserable goal. Lekin aaj ke time mein mere haath mein jitne bhi paise hai. Yes. Chahe wo 10 rupees ho ya phir 100 ho ya phir 10,000. Lekin next 5 times. Yes. Ki after the end of the year ya phir 5 years ke baad कि मैं रिच बन सकता हूँ. तो वो चीज़ आसानी से हम लोग चीज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मिजरेबल. नेक्स्ट वन इज अचीवेबल. नेक्स्ट वन इज़ क्या है. अचीवेबल. ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इंटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल. यस. ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इंटू स्मॉलर पार्ट्स यानी कि आपका गोल बड़ा है लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो तो आसानी से आप लोगों का जो गोल है वो अचीव कर सकते हो. Bigger goal, I want to become a teacher in my school. Yes, मुझे क्या बनना है. टीचर बनना है. मुझे अपनी स्कूल में टीचर बनना है लेकिन उसको कम्प्लीटली उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो. जैसे कि कम्प्लीट द हायर सेकेंडरी देन कम्प्लीट द ग्रेजुएशन कम्प्लीट द BEd अप्लाई फॉर जॉब्स इन द टीचिंग फील्ड. तो उसने क्या किया कि आपका जो अचीवेबल है कि मैं हायर सेकेंडरी पास हो गया कम्प्लीट तो मेरा ये जो गोल है उसमें से मैंने एक जो स्टेप था वो मैंने कम्प्लीट कर लिया. सेकेंड गोल क्या है. ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना तो वो भी मैंने कम्प्लीट कर लिया. तो जो आपका बिगर गोल है टीचर बनने का तो उसने क्या किया कि ये चीज़ आप लोगों को डिवाइड कर दी छोटे छोटे गोल में वो चीज़ कम्प्लीट होती जाएगी. तो ऑटोमेटिक आप लोग लास्ट में जब भी टीचर बन जाओगे तो आप लोगों को ये जो गोल होगा वो बड़ा हो जाएगा. क्लियर. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अचीवेबल यानी कि SMA. S फॉर आप लोगों ने देखा देन M फॉर मिजरेबल A फॉर अचीवेबल. नेक्स्ट वन इज R. R मीन्स रियलिस्टिक. अ रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वॉन्ट टू अचीव एंड कैन वर्क टूवर्ड्स. एग्जाम्पल ऑफ अनरियलिस्टिक गोल. अनरियलिस्टिक की बात करो रियलिस्टिक की बात नहीं करो. आई विल रीड माई एंटायर ईयर सिलेबस इन वन डे एंड गेट गुड मार्क्स. दिस इज अनरियलिस्टिक. Realistic is what I spend 3 hours every day of the year after school to revise my subject to get a good marks in the exam. एक दिन में आप सभी लोग जानते हो कि एक दिन में पूरे ईयर का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है. उसके लिए क्या करना पड़ता है जो अनरियलिस्टिक है जो कि चीज़ कभी भी होगी नहीं. लेकिन रियलिस्टिक क्या है कि आफ्टर द स्कूल एवरी डे यू कैन स्पेंड द 3 hours ऑफ योर डे. यस. कि आफ्टर द स्कूल यानी कि 3 घंटे हर रोज़ के आप लोगों को वहाँ पर रीड करने के लिए बैठना रिवाइज करने के लिए. रीड करो रिवाइज करो बोथ आर डिफरेंट. तो आप लोग भी के जो मार्किंग है एग्जाम में वो भी अच्छे आ सकते हैं. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रियलिस्टिक. एंड लास्ट वन इज टाइम बाउंड. अ स्मार्ट गोल शुड हैव अ टाइम फ्रेम बाय व्हेन द गोल नीड्स टू बी अचीव्ड. यस. दिस इंकरेजेस अस टू टेक एक्शन टू कम्प्लीटली फुलफिल द गोल्स. यस.
कि स्मार्ट गोल्स शुड हैव अ टाइम फ्रेम, यस टाइम टू टाइम वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, कि आज 3 घंटे में मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे पढ़ने हैं या फिर पढ़ाने हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर टाइम टू टाइम ख़त्म होनी ज़रूरी है। नॉट अ टाइम बाउंड गोल, आई वॉन्ट टू लूज 10 kg समडे, यस कि नॉट अ टाइम बाउंड, यस कि मुझे ये टाइम बाउंड नहीं कि 10 kg मुझे कम करने हैं समडे, कभी, आज है, कल है, परसों है, 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद, कब वो फिक्स नहीं है, लेकिन टाइम बाउंड कि मुझे ये नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे मेरे जो 10 kg बढ़ गए हैं वो ऑटोमेटिकली लूज करने हैं, उसको डिक्रीज करना है। सो एक टाइम बाउंड, आप लोगों ने टाइमिंग सेट कर दिया कि 6 मंथ में ये चीज़ मुझे कम करनी है, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम बाउंड। सो दिस आर द मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्ड, SMART, क्लियर एवरीवन? So that is the meaning of smart. Now next one is next one in the last session of this lesson is the self-regulation time management. Self-regulation time management. Now time management and its importance. You all of you know very well that time management सभी की life में होना ही चाहिए। आप लोग अभी student हो तो आप लोगों में भी time management होना चाहिए कि भाई आज एक subject आया है तो उसको मैं कैसे read करूँ, किस तरीके से read करवाऊँ, आज 2 subject की exam है तो उसको कैसे मैं पहले read करूँ, आज पहले कौन सा subject की है, वो चीज़ complete हो जाए तो उसके बाद मुझे क्या startup करना है, तो वो भी आप लोगों को वहाँ पर देखना ज़रूरी रहेगा। Now next one is what? कि समीर was a very lazy boy and always used to postpone things. Yes, समीर जो है वो lazy boy है, और जो भी उसको work दिया जाए या फिर जो भी वो work करे तो वो उसमें क्या है, postpone करता है, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। हम भी इसके स्टूडेंट भी यही चीज़ कहते हैं कि कल एग्ज़ाम है ना तो आज रात को मैं पढ़ूंगा, यस, लेकिन पहले से वो नहीं सोच रहा कि मैं पहले से पढ़ूंगा तो लास्ट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, वरना तो क्या होगा कि लास्ट में वो चीज़ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। हिज फादर्स ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। उसके फादर ने क्या ट्राई की कि वो समझ जाए कि भाई टाइम की वैल्यू क्या है। समीर प्रोमिस्ड टू हिज फादर दैट ही वुड नेवर पोस्टपोन हिज टास्क। वन डे ही वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ही वॉज आस्क टू कलेक्ट द प्राइज द सेम डे। ही डिड नॉट केयर एंड वेंट टू कलेक्ट द प्राइज द नेक्स्ट डे, बट द प्राइज वॉज नाउ यूजलेस फॉर हिम एज इट वॉज अ टिकट टू अ सर्कस शो फॉर द प्रीवियस डे। दैट डे समीर लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन। यस, कि उसके फादर ने कई बार ट्राई किया लेकिन समीर ने प्रोमिस भी कर दिया, तो समीर ने यहाँ सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया तो वो वन भी हो गया, उसको फर्स्ट प्राइज भी मिली, लेकिन प्राइज में क्या था, नेक्स्ट डे सर्कस की टिकट थी उसको देखने के लिए जाने, बट वो कि उसने क्या सोचा, वो पोस्टपोन कर दिया, वो टाइम पे वो चीज़ उसने ख़त्म नहीं की, तो जब भी वो अपनी प्राइज लेने के लिए गया तब वो चीज़ क्या हो गई, यूजलेस हो गई, तब जाके उसको पता चला कि टाइम की वैल्यू क्या है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ द योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वॉन्ट टू डू। यानी कि टाइम मैनेजमेंट से ही आपको पता चलेगा, अपनी एबिलिटी पता चलेगी, अपना प्लान जो भी करना है या फिर आपको जो भी कंट्रोल करना है, क्या हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे, कि मुझे दिन के 24 घंटे मिलते हैं उसको मुझे किस तरीके से स्पेंड करना है। यस, क्लियर एवरीवन? एन एग्जाम्पल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स would be when you decide to finish your homework immediately after school so you have time to watch TV later in the evening. अगर आप लोगों ने टाइम वैल्यू की चीज़ समझ में नहीं आती तो अगर स्कूल ख़त्म होने के बाद अगर आप लोग रेगुलरली अपना जो होमवर्क दिया गया होता है वो कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग आसानी से जब भी रात को आप लोगों को टीवी देखने के लिए जाना है तो आप लोग आसानी से टीवी देखने के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर होमवर्क ख़त्म नहीं होता है तब तक आप लोगों को वो चीज़ पहले ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरीके से मुझे टाइम को मैनेज करना है, जो भी अपना वर्क कंप्लीट करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नाउ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समीरा इज़ ऑलवेज पंक्चुअल एट स्कूल। She has a regular schedule that she follows every day. She plans for study and play time in advance. Yes, समीरा अपने टाइम से पंक्चुअल टाइम से अपने स्कूल पे पहुंच जाती है, जो भी अपना वर्क है वो रेगुलर शेड्यूल से वो चीज़ कंप्लीट कर लेती है, उसको फॉलो भी करती है सारे दिन एवरी डे। यस, शी प्लान्स टू फॉर स्टडी एंड प्ले टाइम इन एडवांस, कि वो प्लान कर लेती है कि आज मुझे ये इतने घंटे पढ़ना है, उसके बाद वो चीज़ खेलने के लिए चली जाती है। सेम थिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है, नेहा का। निशा
सॉरी निशा का, निशा यूजुअली अराइव्स लेट टू वर्क, सी डज नॉट सबमिट हर असाइनमेंट ऑन टाइम। यस, हम लोग भी आप लोगों को बोलते हैं टाइम पे असाइनमेंट कंप्लीट सबमिट कर दिया करो। यस लेकिन कई बार होता है कि दो तीन बच्चे ऐसे रहते हैं जो टाइम टू टाइम सबमिट नहीं करते हैं, जो लेट ही सबमिट करते हैं। सी समटाइम्स गेट्स कैरीड अवे इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड फॉरगेट द मेन टास्क इन हैंड। यस, वो दूसरी एक्टिविटीज में वहाँ पर चली जाती है तो अपना जो मेन वर्क है, जो अपना मेन टास्क है, वो टाइम टू टाइम वो चीज़ खत्म नहीं होगी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देन टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू। यस, अगर थिंकिंग करोगे तो आपको वहाँ पर हेल्प भी करेगा। किस टाइप में हेल्प? कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, आपको जो भी टास्क दिया है या फिर आपको जो भी टास्क करना है वो आप लोग कंप्लीटली टाइम टू टाइम खत्म कर सकते हो। मेक अ डेली टाइम टेबल। यस, आप लोग अपना डेली टाइम टेबल बना दो कि मुझे 5 घंटे की स्कूल है तो 5 घंटे मुझे स्कूल के हिसाब से बितानी है, फिर उसके बाद 2 घंटे होमवर्क के, उसके बाद 1 घंटा ट्यूशन का, या फिर वॉट एवर, एक आधा घंटा आप लोग ये फ्रेश होने के लिए भी रहो, ताकि अगर आप लोगों की लाइफ में इसके ऐसा भी ना लगे कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करता रहूँ। ठीक है, आधा घंटा, पौना घंटा या फिर 1 घंटा, उस टाइम पे आप लोग आसानी से जो भी आपको खेलना है, टीवी देखना है, फ्रेश होना है गेम खेल के, तो वट एवर यू कैन डू। मेक अ गुड गेस दैट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग। कुछ भी ऐसा सोचो, अच्छा बोलो। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम। यस, दैट शुड एवरीवन नो कि आप लोगों को अपना जो भी होमवर्क है वो भी टाइम टू टाइम आप, तो उसमें आप लोगों को वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे आप लोग कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी दूसरी चीज़ आप लोगों को सीखनी भी ज़रूरी होती है। 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। 4 स्टेप्स, फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइज। यस, वी प्लान अवर डे टू डे एक्टिविटीज़। यस, पहले उसको ऑर्गेनाइज करो कि किस टाइप का मुझे करना है, किस तरीके से मैं करूँगा, तो मेक अ प्लान। वी मेक अ टाइम टेबल दैट वी फॉलो। यस, टाइम टेबल बना लो, फिर उसके बाद उसको फॉलो करो। देन वी कीप अवर सराउंडिंग एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मेस फ्री। यस, अपने आसपास में जो स्टडी टेबल है उसको भी क्लीन करते रहो टाइम टू टाइम, या फिर उसको फ्री रखो, ताकि आपको जब भी टाइम पढ़ने के लिए टाइम मिले तो ऑटोमेटिक आप लोग कोई भी बुक फाइंड आउट ना करने पड़े लास्ट में। वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग। जहाँ से जो चीज़ हमने ली है वहाँ पे वो चीज़ वापस रख दिया करो। देन लास्ट वन, इट हेल्प अस सेव टाइम। यानी कि उस टाइम पे हम लोगों का जो सेविंग, यानी कि हमारा जो टाइम बचता है, दैट विल हेल्प यू। नेक्स्ट वन इज़ प्रायोरिटीज़। वी मेक अ टू डू लिस्ट दैट हैज़ ऑल अवर एक्टिविटीज़ एंड वी रैंक देम इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। यस, कि आप लोगों को जो एक्टिविटी है उसका एक लिस्ट बना लो कि मुझे सबसे पहले ये कंप्लीट करना है। आप सभी लोग जानते हो कि हमारे जो पेरेंट्स है वो गांव मार्केट में कोई भी चीज़ को परचेस करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि ये पहले परचेस करना है, ये दूसरे परचेस करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर, ताकि जो भी प्रायोरिटीज़ है, जो हमें ज़रूरत है, वो पहले चीज़ हम लोग परचेस कर लेते हैं, फिर लास्ट में ऐसी चीज़ रखते हैं अगर ना भी आए आज हम लोग परचेज भी ना कर सके टाइम की वजह से, या फिर शॉप क्लोज हो गई है, तो उस टाइम पे वो चीज़ प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल, यू मे रैंक डूइंग होमवर्क एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। इट हेल्प्स अस टू गेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क डन फर्स्ट एंड ऑल्सो टू ट्रैक वॉट इज पेंडिंग। यस, कि सबसे पहले आपका वर्क क्या होता है, कम्प्लीट योर होमवर्क, जो आपका मेन टास्क है, तो उसकी प्रायोरिटी आपको फर्स्ट देनी है, उसके बाद आपको कौन सी जो भी आपके पेंडिंग वर्क है उसके हिसाब से वो चीज़ सेट करनी रहेगी। थर्ड वन इज़ कंट्रोल। वी हैव अ कंट्रोल ओवर अवर एक्टिविटीज़ एंड टाइम। यस, कि आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ है, आप लोगों का जो टाइम है, उसके ऊपर कंट्रोल भी रहना ज़रूरी। वी अवॉइड टाइम वेस्टर्स लाइक चैटिंग ऑन द फोन, सर्फिंग गॉसिप साइट्स एक्सेट्रा, एंड फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। यस, कि अवॉइड भी करना चाहिए। हम लोग हर बार बोलते हैं कि फ़ोन ज़्यादा मत यूज़ किया करो। यस, तो आप लोग कभी भी सुनते नहीं हो, या फिर सर्चिंग करने लगते हो नेट पे, या फिर चैट करने लगते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो वो चीज़ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। आधे घंटे 1 घंटे के लिए वो चीज़ कर सकते हो इज़ अ फ्री टाइम पे, लेकिन जो चीज़ हमारी मेन है अभी एजुकेशन, यानी कि पढ़ना, वही चीज़ आप लोगों को वहाँ पर करनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी आप लोगों का कंट्रोल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रैक, स्टेप नंबर 4। सो वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट अवर टाइम। दिस विल हेल्प अस एनालाइज इफ वी हैव यूज्ड अवर टाइम इफेक्टिवली और नॉट। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यस,
आइडेंटिफाई एंड नोट, कि हमें पता होना चाहिए या फिर नोट करके रखना चाहिए कि क्या हमारा जहाँ पर भी टाइम हमें सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या फिर स्पेंड हमें करना है, तब भी आगे जाके आप लोगों को एनालाइज कर सकते हो भाई यहाँ पे मुझे मेरा जो टाइमिंग है मुझे ज़्यादा चाहिए या फिर ये टाइम पे मैं चीज़ ये इतनी आसानी से वो चीज़ को कंप्लीट कर सकता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइमिंग जो वेस्ट हो रहा है अदर एक्टिविटीज़ में वो वेस्ट ना होए। क्लियर? सो दिस आर द फोर स्टेप्स फॉर इफेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट। नाउ टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द फोर स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब टिप्स दी गई आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि ये जो फोर स्टेप दिए थे आप लोगों को इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के। सो फर्स्ट वन इज अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एंड प्लान एक्टिविटीज। यस, कि जो भी डिले आप लोगों को अवॉइड करना है, पोस्टपोन नहीं करना है, कोई भी प्लान के हिसाब से वो चीज़ आप लोगों की कंप्लीट होनी ही चाहिए, तो डोंट पोस्टपोन या फिर अवॉइड। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क। यस, आप लोग अपने रूम को या फिर स्कूल डेस्क को ऑर्गेनाइज कर लो। डेवलप अ नो डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सीट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क। कि डेवलप एक ऐसा रूम या फिर एक ऐसी एरिया आपके हाउस में जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना कर सके, आपको जो भी वर्क करना है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है, जहाँ पर आप लोग आसानी से बैठ के वो इंपॉर्टेंट टास्क ख़त्म कर सको, जहाँ पर आप लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस ना बनाए। यूज़ वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली। यस, वेटिंग टाइम भी बना लो कि कहाँ पर यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट। यस, रेगुलर लिस्ट बना लो कि सबसे पहला मेरा वर्क कौन सा है, होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद रीडिंग करना है, उसके बाद तो जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है उसके हिसाब से आप लोग एक लिस्ट क्रिएट कर लेना चाहिए। देन प्रायोरिटीज़, सबसे पहली प्रायोरिटीज़ क्या है, सिर्फ अभी पढ़ना, आपको अभी कहीं पर भी कमाने की ज़रूरत नहीं, ना ही कहीं पर कोई भी चीज़ को जाना है। यस, तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज़ विथ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। यस, कि जो भी हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, आप तो सभी को पता है हम लोग दिन की कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हमारे लिए यूजलेस है, जो आगे जाके किसी भी जगह पे वर्किंग में काम में नहीं आएगी, तो जो भी हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ है उसको रिप्लेस कर दो किस में, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, ताकि वो चीज़ आप लोगों को आगे जाके वर्किंग में आए। क्लियर? सो दिस आर द टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर फोर स्टेप फॉर इफेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट। क्लियर एवरीवन? हियर इज़ द एक्टिविटी सम ऑफ द गिवन सो यू कैन डू। इस लेसन में आपको कई सारी ऐसी एक्टिविटी दी हुई है जो आप लोग होमवर्क में करनी है सभी को। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स।